हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर बिगनर। ये वाली जो ड्राइंग है, जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी तब की है, और इसमें सबसे बड़ी गलती है वो शेडिंग की है। और बिगनर यही करते हैं, शेडिंग स्मूथ नहीं कर पाते। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि एकदम धब्बे से लग रहे हैं, शेडिंग स्मूथ नहीं लग रही, स्किन है वो इतनी स्मूथ नहीं लग रही। कौन सी गलतियां करते हैं जो बिगनर होते हैं, और मैंने क्या गलती की है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। क्या रीजन होता है जिसके कारण जो ब्लैक ब्लैक धब्बे दिखाई देते हैं, सो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। और कुछ इस तरह की ड्राइंग अभी मैं बनाती हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्किन है वो काफी स्मूथ और शेडिंग काफी स्मूथ लग रही है। और ये वाला पेपर आइवरी पेपर है। बिगनर फर्स्ट गलती ये करते हैं कि सबसे पहले तो वो एकदम डार्क पेंसिल यूज करते हैं शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ऑप्ट करने के लिए। डार्क डार्क शेडिंग करते हैं, पेंसिल पर एकदम प्रेशर का अप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी गलती बिगनर ये करते हैं कि शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं पेपर स्टंप, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस, अब देखते हैं कि शेडिंग का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो शेडिंग करने के लिए एकदम लाइट पेंसिल को यूज करना है फर्स्ट लेयर के लिए, जैसे HB 6H 2H ऐसी लाइट पेंसिल को यूज करके फर्स्ट लेयर बनानी है। पेंसिल पर बिल्कुल भी भार नहीं देना है, एकदम धीरे 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 शेडिंग करनी है। और सेकंड लेयर भी इसी लाइट पेंसिल को यूज करके करनी है, हाथ को हल्का हल्का चला के शेडिंग करनी है। इसी से ही एकदम जो बीच बीच में डार्क डार्क पैचेस आते हैं वो नहीं आएंगे, एकदम स्मूथ शेडिंग लगेगी। और यही सही तरीका है ब्लेंडिंग के लिए। सही तरीका है टिशू पेपर। टिशू पेपर को यूज करके अगर आप ब्लेंडिंग करोगे तो गाइज एकदम स्मूथ शेडिंग और स्मूथ स्किन लगेगी। और छोटे एरिया जैसे नोज के नीचे, आईज के नीचे, लिप्स, आईब्रोज के नीचे, तो ये छोटे एरिया के लिए आप ब्रश को यूज कीजिए। ब्रश से काफी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ब्रश को यूज करते हैं। तो गाइज, ड्राइंग में जो पैचेस आने का मेन रीजन होता है वो है, एक तो हम शेडिंग डार्क डार्क कर देते हैं, और ऊपर से जो हम यूज करते हैं ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टंप बहुत छोटा होता है आगे से, तो अच्छे से पूरा एरिया एकदम ब्लेंडिंग नहीं होती और स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो गाइज, अगर आपको एकदम स्मूथ स्किन और स्मूथ शेडिंग चाहिए तो इसके लिए आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, या फिर ब्रश यूज कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अब की बार जब आप ब्लेंडिंग करो तो टिश्यू पेपर यूज करना, ब्लेंडिंग स्टंप मत यूज करना, और काफी अच्छी ब्लेंडिंग होगी एंड ड्रॉइंग भी आपकी काफी अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।